दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने की शानदार गेंदबाजी और झटक लिए 3 विकेट। दोस्तों 3 विकेटों में दोस्तों 2 विकेट तो उनके दोस्तों मैन खिलाड़ी बाबर आजम जो कि कप्तान पाकिस्तान की टीम के और मोहम्मद रिजवान जो कि ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं अभी दोस्तों वह 2 विकेट भी शामिल हैं। और दोस्तों 3रा विकेट भी दोस्तों आसिफ अली का जो बड़े बड़े हिटिंग लगाने में माहिर हैं पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों उनको हिटिंग को रोका अर्शदीप सिंह ने और अपने निर्धारित 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट हासिल कर लिए। शुरू में दोस्तों अर्शदीप सिंह की गेंद इतनी ज़्यादा तेजी से स्विंग हो रही थी कि उन्होंने पहले ही गेंद अपनी डाली वर्ल्ड कप की जिस पर अर्शदीप सिंह ने बाबर आजम को आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्रीज पर सेट हो रहे मोहम्मद रिजवान को भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिकने नहीं दिया और दोस्तों मोहम्मद रिजवान भी 4 रन बनाकर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया अर्शदीप सिंह ने। वो भाई भी चलते बने। उसके बाद दोस्तों आसिफ अली आए। आसिफ अली भी दोस्तों फिनिशिंग के लिए आए थे 8 नंबर पर बैटिंग करने के लिए। उनको भी क्रीज पर खड़ा नहीं होने दिया अर्शदीप सिंह ने और आउट कर दिया। इस दौरान दोस्तों उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले जो कि दोस्तों नई गेंद से अच्छे रिकॉर्ड्स उन्होंने बना भी दिए हैं। आप लोगों की अर्शदीप सिंह की बॉलिंग के बारे में क्या राय है दोस्तों हमारी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और भी ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।